लखीमपुर खीरी में किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य न मिलने व धान क्रय केंद्रों पर कई कई दिन लग जाने से नाराज किसान ने 4.5 एकड़ धान की फसल को ट्रैक्टर से ही जोड़ डाला। थाना संपूर्णा नगर इलाके के गदियाना गांव के रहने वाले सतनाम सिंह ने धान का सही रेट न मिलने की वजह से परेशान होकर अपनी धान की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे नष्ट कर दिया। सतनाम सिंह का कहना है कि क्रय केंद्रों पर कई कई दिन खड़े रहना, वहीं बनिया के वहां जाने पर फसल का 1000 रुपए देना, इससे आघात लगने के कारण उन्होंने ऐसा किया है। मेरा धान 4.5 एकड़ मैंने खुद स्वयं जोता है, उसका उचित मूल्य ना मिलने के कारण और किसान पहले ही घाटे में जा रहा है। 10 क्विंटल का 10,000 का घाटा पहले ही डल रहा है। ऊपर से कंपेन की निकलाई 2000 रुपये जा रही है और मैं क्रय केंद्र पे भी लेके गया था, वहाँ 14 तारीख के टोकन है, कि 14 तारीख के हमारे टोकन है, वो टोकन अभी तक खुले नहीं है। ये बनियों के पास गया, वो 1000 रुपये मूल्य बता रहे थे, इसी कारण मैंने अपना खेत जोत दिया। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी ने कहा है कि जनपद में धान खरीद को लेकर पर्याप्त इंतजाम है, अगर कहीं कोई ऐसा करता है तो वो सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहा है। लेकिन अब वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है, तो बड़े पैमाने पे खरीद हो रही है। जो तथाकथित वीडियो है वो निश्चित रूप से कोई भी कृषक ऐसा नहीं होगा जो अपनी फसल को, खड़ी फसल को जोत देगा। अगर ऐसा व्यक्ति है तो हम नहीं समझते कि हिंदुस्तान में ये कल्चर रहा है कि जिसको हम फसल को अपने माता और धरती को अपनी माँ समझते हैं उसको इस तरह से नुकसान पहुँचाया जाए। ये केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ लोग इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जहाँ तक खरीद की बात है, इसको 100% सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी कृषक हैं वो अपना ऑनलाइन अप्लाई करें और सबकी खरीद की जाएगी। ये हम आप सबको आश्वस्त करते हैं। क्या रखा गया पूरे जिले का खरीद? देखिए, पूरे जिले का इस समय जो हम लोगों का लक्ष्य है 2 लाख MT है, जिसके सापेक्ष चूँकि अभी खरीद हुई है शुरू, लगभग 1 हफ्ते से खरीद शुरू हुई है, तो अभी तक लगभग 3000 MT से ऊपर तक